नाज़रीन, आप देख रहे हैं वेस्ट पी साइज से क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया। आज करेंगे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पे बात, के न्यूजीलैंड कब, कहां और किसके खिलाफ मैचेस खेलेगी, क्या डायमेंशन होगी, किस ग्राउंड में उनके मैचेस होंगे और क्या कंडीशंस होंगी, आज करेंगे इसी सब पर बात। जी हां नाज़रीन, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो 2019 के वर्ल्ड कप की लूजर टीम थी, जिन्हें फाइनल में शिकस्त हुई, इंग्लैंड ने उन्हें शिकस्त दी थी। क्या नेल बाइटिंग इनकाउंटर हुआ था। आई थिंक आज तक जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं, जितने भी वर्ल्ड कप के फाइनल्स हुए हैं, जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं, इससे ज्यादा नेल बाइटिंग इनकाउंटर शायद ही कभी हुआ हो। ब्रिलियंट मैच था, सुपर ओवर तक गया और इंग्लैंड क्रिकेट टीम वो वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई। न्यूजीलैंड फाइनल में हारा था, ये दूसरी बार लगातार न्यूजीलैंड को फाइनल में शिकस्त हुई, क्योंकि 2015 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भी न्यूजीलैंड मेलबर्न के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारा था। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दो बार फाइनल में पहुंची प्रीवियस वर्ल्ड कप के। लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड की डायमेंशन को देखें तो वो छोटा सा मुल्क है, इतनी ज्यादा आबादी भी नहीं है, लेकिन टैलेंट जो उनके पास आता है ना, वो बहुत ज्यादा बड़े नाम नहीं होते उनके पास उनकी टीम में, लाइक जो पूरी दुनिया में जिनका राज हो, लाइक ब्रैंडन मैकलम, उसके बाद रॉस टेलर, इस तरह के नाम पैचेस में आते रहे, लाइक 11 में से कोई एक दो प्लेयर ऐसे होंगे, बट जो बाकी प्लेयर है वो उनका प्लेयर कैलिबर इतना अच्छा है कि बड़े नाम ना होने के बावजूद भी उनकी टीम हर बार मेन इवेंट्स में इतना एक्सेल करती है, लाइक वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स तक आए, लास्ट ईयर पाकिस्तान ने उन्हें शिकस्त दी थी, एंड देन ODI वर्ल्ड कप के प्रीवियस दो फाइनल्स खेल चुके हैं, 2011 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, तो ऑब्वियसली उनके पास टैलेंट पूल मौजूद है जो उन्हें इतना एक्सेल करवाता है। तो अगर न्यूजीलैंड के इस सीरीज के वर्ल्ड कप के शेड्यूल पर अगर हम बात करना शुरू करें, तो न्यूजीलैंड अपना पहला मैच उसी टीम से खेलेगा जिसके साथ उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप का आखिरी मैच यानी फाइनल खेला था, जहां से 2019 के वर्ल्ड कप का सफर खत्म हुआ था वहीं से शुरू होगा 2023 के वर्ल्ड कप का सफर, यानी न्यूजीलैंड खेलेगा इंग्लैंड के अगेंस्ट, बदला चुकाने का बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। देन इसके बाद 9 अक्टूबर को हैदराबाद के मैदान पर क्वालिफायर 1 के अगेंस्ट यानी नेदरलैंड के अगेंस्ट वो खेलेंगे, देन 14 अक्टूबर 2023 को चेन्नई के मैदान पर बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलेंगे, देन 18 अक्टूबर 2023 को चेन्नई के मैदान पर ही अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे। ये दो मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट होंगे अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के लिए, बिकॉज दोनों टीमें प्रेशर ग्रुप बहुत अच्छा है, लाइक अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइन बहुत तगड़ी है और चेन्नई का ग्राउंड ऑब्वियसली स्पिनर्स के लिए मशहूर है, तो वहां पे उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्टिव बिहेवियर नजर आएगा विकेट की तरफ से भी। लेकिन अगर हम उनके अगले मैच में बात करें ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, वो है 22 अक्टूबर 2023 को धर्मशाला के मैदान पर, क्या खूबसूरत मकाम पर, वहां पे इतना इंपॉर्टेंट इंकाउंटर होगा अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी थी इंडिया को, वो जो महेंद्र सिंह धोनी का रन आउट था इंचेस के फासले से रह गए और इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा हॉन्ट करेगा इंडियन क्रिकेट टीम को और इंडियन क्रिकेट टीम उस माइंडसेट से आएगी जरूर। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम वहां पे जीती तो थी ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर, लेट्स सी यहां पे क्या बनता है। देन 28 अक्टूबर 2023 को धर्मशाला के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेंगे, वहां ऑस्ट्रेलिया और आज राइवल्स हैं, लाइक मैंने एज अर्ली ऑन कहा कि 2015 के वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी थी माइकल क्लार्क की किदा की आदत में, ऑस्ट्रेलिया पांचवीं बार वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ था। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी तो काफी मशहूर है, लाइक 2015 के वर्ल्ड कप में ही वो जो एक मैच हुआ था जिसमें ट्रेंट बोल्ट ने 5 विकेटें ली थी, एंड देन लेटर ऑन भी ब्रैंडन मैकलम ने अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन फिर मिचेल स्टार्क ने आगे 6 आउट कर दिए, देन आखिर में केन विलियमसन ने बड़ी ब्रिलियंट 50 बना के और न्यूजीलैंड को मैच जितवाया था। तो वर्ल्ड कप इनकाउंटर्स में इनकी राइवलरी भी बड़ी तगड़ी और पुरानी है। देन 1 नवंबर को पुणे के मैदान पर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलेंगे, देन 4 नवंबर को बेंगलुरु के मैदान पर पाकिस्तान से मैच होगा है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तगड़ा कांटा पड़ेगा, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में भी बड़ा एक्साइटिंग मैच हुआ था, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा ब्रिलियंट फॉर्म में नजर आ रही थी, अनबीटन नजर आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई, चेसिंग में सेंचुरी की और न्यूजीलैंड को उस मैच में शिकस्त दी थी, ब्रिलियंट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नजर आई थी, लेट्स सी पाकिस्तान इस बार क्या करता है। देन 9 नवंबर 2023 को बेंगलुरु के मैदान पर क्वालिफायर 2 खेला जाएगा और वहां पे पाकिस्तान क्वालिफायर 2 तो श्रीलंकन की टीम है, तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड और श्रीलंका भी आमने सामने होंगे, तो लेट्स सी वहां पे क्या बनता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का शेड्यूल अगर हम देखें तो ऑब्वियसली उनके स्टार्टिंग में टफ मैच है इंग्लैंड के साथ, देन मिडल में आगे उनके ऑब्वियसली अफगानिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये भी बहुत ज्यादा टफ इनकाउंटर्स हैं, देन पाकिस्तान का मैच भी उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शेड्यूल तो काफी उनका स्ट्रिक्ट नजर आ रहा है, कोई ये लूज बॉल कहीं नहीं नजर आ रहा, तो ऑब्वियसली
न्यूजीलैंड, लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है और क्या केन विलियमसन कमबैक कर पाते हैं या नहीं, या टॉम लैथम उनको लीड करेंगे, क्योंकि केन विलियमसन नी इंजरी का शिकार हो गए थे आईपीएल में, तो बहुत ज्यादा उन पे क्वेश्चन मार्क्स अभी हैं, उनका रिहैब चल रहा है, तो लेट्स सी क्या वो आया वापसी कमबैक कर पाते हैं या नहीं। इंशाल्लाह वो जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।